लोकशाही और वोट की ताकत, उत्तर प्रदेश चुनाव विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। बस उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और कई तरह के समीकरण बन रहे हैं। पूर्वांचल में राजभर और अखिलेश यादव के बीच, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच चुनाव से पूर्व गठबंधन हो चुका है। बसपा से बहुत सारे नेता छोड़कर सपा में जा चुके हैं, कई छोटे छोटे दल सपा के संपर्क में है, ये इक्वेशन बन रहा है। और वेस्टर्न यूपी किसान नाराज हैं। एक मंच पर हिंदू मुसलमान किसान महापंचायत में दिखे और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने जाकर मंच पर जौला का पाउच हुआ। कई तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं। इसी बीच इसका अंदाजा लगता है कि वोट की ताकत क्या होती। आज उत्तर प्रदेश से दो महत्वपूर्ण खबर है और चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण खबर है, इसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला, 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन होना है। उद्घाटन में प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। 10 नवंबर को वो एक्सप्रेसवे सरकार को सौंप दिया जाएगा और 12-13 के बीच उस पर एयरफोर्स का जो जेट प्लेन होता है उसको उतारा जाएगा। अखिलेश यादव की नकल है शायद। और उसके बाद 16 को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, लोग अपने खर्चे से रैलियों में जा रहे थे, इवन भाजपा की रैलियों में जा रहे थे। लेकिन इस उद्घाटन समारोह की विशेषता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए करीब 2000 बसें शासन के द्वारा दी जाएंगी और उसमें उम्मीद है कि 2000 बसों में 2,00,000 लोग जुटाए जाएंगे। तो एक बस में कितना हुआ कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या उस ठूस ठूस के लाए जाएंगे और लोग आएंगे। जहां पहले लोग मोदी मोदी हाउडी मोदी के नारे लगते थे, आज शासन प्रशासन वो 2000 बसें भेज रहा है। सुल्तानपुर के डीएम ने चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखा है जिसके हिसाब से 70% जो बसें हैं सुल्तानपुर से और 30% बसें अंबेडकर नगर और अयोध्या से भेजी जाएंगी। इन्होंने कहा कि इसका जो पूरा इंतजाम है या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा कर रहा है और इसका भुगतान वही करेगा। राजस्व की क्या क्षति होगी इस पर मौन है सब लोग। अच्छी बात है, सरकार के पैसे से बसें भेजिए, ठूस ठूस के मंगाइए। इसका मतलब ये है कि अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि लोग स्वतः आने के लिए अब तैयार नहीं है। जेपी सिंह साहब का हमने इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले। आप उत्तर प्रदेश चुनाव विशेष पे जरा देखिए कि बहुत सारे समीकरण इस बार टूट रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। ब्राह्मण वोटर भी भाजपा से नाराज हैं ऐसा बताया जा रहा है। राजपूत वोट भी ज्यादा भाजपा को मिल सकता है लेकिन कुछ इलाकों में वो सपा के साथ भी है और किसी और के साथ भी है। अंसारी जो कि बाहुबली नेता हैं, सुना जाता है कि राजभर के माध्यम से वो आएंगे गठबंधन में, सपा गठबंधन में। तो बहुत सारे सियासी जो है उठापटक वहां चल रहा है। अब इसका खर्चा कितना आएगा, 2000 बसें अगर 400 किलोमीटर चलती हैं तो कहा जा रहा है इसका खर्चा आएगा 5 करोड़, सरकारी राजस्व का खर्चा 5 करोड़ उसमें जाएगा। और इसका जो भुगतान है वो डीएम के आदेश पर, जो उनके यूपीडा के चीफ अनिल पांडे, उनका कहना है कि जो भी जिलाधिकारी के माध्यम से बसों की डिटेल आएगी उसका पेमेंट होगा। विभाग को पेमेंट करना एक सतत प्रक्रिया है, डीएम जो भी भेजेंगे उनका पेमेंट होगा, यूपीडा कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है। अब सवाल यह है कि जो इतनी लोकप्रियता मोदी साहब की है और योगी साहब की है कि पूरा भारत ही कह रहे हैं कि सब मोदी योगी कर रहा है, इतनी लोकप्रियता है, तो वोटर को लाने के लिए
पूर्वांचल में सरकार 2000 बसें क्यों दे रही है, क्यों लोगों को बुलाने के लिए कह रही है? क्या अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं उधर की जमीन खिसकती तो नजर नहीं आ रही है? ये महत्वपूर्ण फैसला है। उत्तर प्रदेश के जो साथी होंगे इस बात पर विस्तार से वो नजर रखेंगे, और कोई साथी बात करना चाहे बताना चाहे तो उनका अमित करनामा में स्वागत है। अब चलिए दूसरे खबर पे। कैराना आपको याद होगा 2017 में योगी वहां गए थे, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वहां गए थे, और 2022 में कल ही वहां गए हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है दिलचस्प है और वो आपको जानना चाहिए। हालांकि कैराना जो जगह है वो शामली जिले में है कैराना, और वो कभी शास्त्रीय संगीत के केंद्र बिंदु के तौर पर हुआ करता था और कभी व्यापारिक केंद्र के रूप में। 2017 में चुनाव में यहां से हिंदुओं के कथित पलायन का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बना था। चले जाइए 5 साल पीछे, आपको याद आएगा 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उसी पलायन के मुद्दे का जिन दोबारा से बोतल के बाहर निकल आया है। अब सवाल है, पहला दिलचस्प सवाल यहां यह पूछा जाना चाहिए कि वाकई अगर पलायन हुआ था तो पलायन करके कहां गए थे, वो किस प्रदेश में गए थे, किस राज्य में गए थे, वहां किसकी सरकार थी, पलायन करने वाले लोगों की देखभाल किसने की, केंद्र में किसकी सरकार थी, उनका कोई एक रिसर्च किया जाना चाहिए वैसे लोगों का जिनका कथित रूप से पलायन हुआ था, चाहे जो भी पलायन कर गए थे उनका एक डेटा और आंकड़ा जरूर निकाला जाना चाहिए और एक पूछा जाना चाहिए सरकार से कि वहां किसकी सरकार थी। केंद्र में तो मोदी साहब की ही सरकार थी। चलिए अब योगी साहब जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट सुनाता हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा हो या कैराना का पलायन, यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश प्रदेश की आन बान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। तो क्या कैराना देश के बाहर आए हुए साहब, यह भी तो बताना पड़ेगा। कहते आगे कि जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी कहते थे कि इस तरह की कायराना हरकत को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। अपराध अपराधी के खिलाफ कार्यक्रम कीजिए, संविधान संबद्ध कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नाम पर और जो कुछ भी होता है और पुलिस की जो भूमिका होती है, 2 एपिसोड हम बना चुके हैं, 2 एपिसोड और आपको सुनाने वाले हैं पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होती है हेट क्राइम्स में, मॉब लिंचिंग में, यह भी जानने की जरूरत है। कहते हैं योगी साहब, कभी कैराना कस्बे में व्यापारी और कारोबारी को पलायन करने को मजबूर करने वाले अपराधी विगत 4 वर्षों से खुद पलायन करने को मजबूर है। अब ये बात अच्छी बात है, अगर अपराधी भाग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखाना जाना चाहिए और आंकड़े देखे जाने चाहिए कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश क्राइम के किस पायदान पर है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, हेट क्राइम हो, दलित उत्पीड़न का हो, बलात्कार का हो, मर्डर का हो, रॉबरी का हो, ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो से मंगाए जाने चाहिए, तब योगी जी के दावे की असली पड़ताल होगी। बहरहाल आप जानते हैं कि अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसमें कैराना आता है, किसान आंदोलन की वजह से सुर्खियों में है, जिस वजह से लोग यह माना जा रहा है कि अगर वहां के किसान जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और कई जाति समूहों के लोग हैं, ये किसान अगर नाराज हो जाएंगे तो बीजेपी को चुनावी नुकसान हो सकता है, सीटों का घाटा हो सकता है। लेकिन देखिए, चुनाव के समय ही जिन निकलता है बोतल से, लेकिन रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें कृषक कानून को लेकर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई गई है, और बीजेपी यह मानकर चल रही है किसान आंदोलन को लेकर उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब कल सोमवार को योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे और पलायन की बात दोहराई तो उससे स्थिति साफ हो गई। साफ मतलब
किसान आंदोलन बनाम हिंदू मुस्लिम और पलायन, ये मुद्दे दो बहुत ही दिलचस्प होने, बनाम करने की कोशिश है। किसान आंदोलन आप करेंगे, मैं हिंदू मुसलमान कर दूंगा, पलायन मुद्दा उठा दूंगा, लेकिन पलायन वाले लोगों का क्या हुआ, सरकार ने क्या मदद की, इसमें बात नहीं करूंगा, सिर्फ पलायन की बात करूंगा, हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। चलिए, अब सवाल यह है कि ऐसे मुद्दे चुनाव के समय उठते हैं, क्योंकि चुनाव का समय ऐसा होता है जहां पे नेता लोगों के बीच जाते हैं और लोग भी नेता को अप्रोच कर लेते हैं, और चुनाव के बाद कौन कहां गायब हो जाता है पता नहीं, नेता कहां गायब होता है पता नहीं, लेकिन चुनाव एक ऐसा अवसर है कि जहां पे दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। नेता गली गली जाते हैं और लोगों का हमदर्द दिखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से यह चुनावी मरहम की तरह होता है। ये वादे जो होते हैं और जो जार्गन्स होते हैं, जो नारे होते हैं, ये चुनावी मरहम की तरह इस्तेमाल होते हैं। उत्तर प्रदेश शासन का दावा है कि पलायन करने वाले कुछ परिवार वापस आ रहे हैं, और कुछ ऐसे परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, जिनकी खबर भी अखबार में छपी है और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है। अब थोड़ा सा ये हिंदू पलायन का मसला, थोड़ा सा इसके इतिहास में जाइए कि कब उठाया गया था। सबसे पहले इस मसले को बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने उठाया था, तब उन्होंने 300 से ज्यादा परिवारों के पलायन की एक लिस्ट जारी की थी, मैंने देखा था टेलीविजन न्यूज में, याद करिए, 300 परिवारों, हिंदू परिवारों की पलायन की लिस्ट जारी की थी। बाद में मीडिया में मामला तूल पकड़ा तो हुकुम सिंह पलट गए और उन्होंने कहा फिर कि यह हिंदुओं का पलायन नहीं बल्कि अपराध के डर से लोगों का पलायन था, पलायन करने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी काफी सवाल उठा गए। तो सवाल है, अपराध के डर से पलायन था तो अपराधी कौन थे, किसका अपराध था, यह भी लिस्ट उस समय जारी होना चाहिए था। अब याद रखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा था जिसके बल पर बीजेपी 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीत चुकी है, और हिंदू मुस्लिम कार्ड का काफी लाभ बीजेपी को हो चुका है। अगर सीएसडीएस के सर्वे पे अगर नजर डालें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में औसत जो एवरेज वोट है वो था 41%, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट था वो था 43-44%, 2-3% ज्यादा था। जानते हैं 1% वोट में अंतर कितना परिणाम में अंतर ला सकता है। अब लोकसभा का चुनाव आंकड़े अगर देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश का जो एवरेज था वो 50% था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 52% वोट मिले थे। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 के विधानसभा चुनाव में भी और 19 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को काफी बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार किसान नाराज दिख रहे हैं और हिंदू मुसलमान और पलायन के मुद्दे से बीजेपी कितना अपना हित साध पाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। और दंगों का तो जानते हैं कि वो तो रहता ही है, एक दरार होती है, लेकिन किसान मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, धर्मों में हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, तो क्या कैसे होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। कौन किसको कितना सपोर्ट करेगा नहीं करेगा ये अभी कहना मुश्किल है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70% जनता कृषि पर निर्भर है, उनकी भी जाति होती है। अब ये किसान किसान के तौर पर वोट करेंगे, हिंदू मुसलमान के तौर पर वोट करेंगे या जाति के तौर पर वोट करेंगे, इसी पे किसी व्यक्ति पार्टी दल के जीत हार निर्भर हो सकेगा, जीत हार निर्भर करेगा। सो काशी राम जी कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला है, सभी राजनीतिक पार्टियां वहां नए नए प्रयोग करती हैं, फिर यहां एक नया प्रयोग शुरू हो रहा है और पुराना ही प्रयोग है, नए कलेवर में आ रहा है, कितना सफल होता है यह प्रयोग अभी कहा नहीं जा सकता। अब आइए,
हिंदू मुसलमान दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, किसान आंदोलन में एकजुटता दिख भी रही है। यह एकता एक मिथक है या यथार्थ है, यह मिथ है या रियलिटी है, यह बात भी हमें समझना है। अब इसको समझने के लिए 29 जनवरी 2021 के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था, 29 जनवरी को याद कीजिए। उसमें एक तस्वीर वायरल हुआ था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और मंच पे थे महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी रहे, राकेश सिंह टिकैत के फादर महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी रहे गुलाम मोहम्मद चौला, बड़े नेता हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। अब ये चौला साहब कौन है ये बताता हूं, ये वही गुलाम मोहम्मद चौला हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इतने आहत हुए थे कि उन्होंने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया था और एक नया संगठन भारतीय किसान मजदूर मंच बना डाला था। सो इस इलाके में दोबारा से एक तरह से जाट मुस्लिम एकता की यह एक मिसाल के तौर पर पेश की गई थी और इस मंच पर किसान यूनियन के अध्यक्ष भी मौजूद थे। चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत ने मंच पर आते ही चौला साहब का पांव छुआ और नरेश टिकैत चौला साहब के गले मिले। महापंचायत को संबोधित करते हुए चौला ने वहां मौजूद किसान और जाट नेताओं को कहा था कि जाटों ने दो गलतियां की, एक चौधरी अजीत सिंह को हराया और दूसरा मुसलमानों पर हमले किए। जब यह वक्तव्य था पूरा सन्नाटा था और उसका कोई विरोध नहीं किया गया और इसको जो है एक हिंदू मुस्लिम एकता के नजीर के तौर पर पेश किया गया था। असल में होता क्या है, किसान भी तरह तरह के होते हैं, कोई छोटे किसान, कोई बड़े किसान, कोई मझोले किसान, किसानों की भी जातियां होती हैं, उनका भी धर्म होता है। एग्जैक्टली वोट किस करवट बैठेगा, कैसे समझेंगे उसको, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किसान में जातियां जैसे गुर्जर, सैनी, तमाम तरह की जातियां हैं, इनके इनके लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जातियों के भी होते हैं, व्यक्तियों के भी होते हैं, पाल, सैनी, गुर्जर इत्यादि जातियां हैं। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि किस करवट बैठेगा, लेकिन अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के बीच एक समझौता की बात चल रही है। अगर ये समीकरण बनता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता होता है तब नजारा कुछ और हो सकता है। सनद रहे, याद रहे, उत्तर प्रदेश में मुसलमान 32%, दलित तकरीबन 18% और जाट 12% और अन्य ओबीसी 30% लोग हैं। ये है समीकरण, 32% और 18% दलित और मुसलमान हैं, जाट 12% हैं और ओबीसी 30% हैं। अगर यह कॉम्बिनेशन बन गया, लोकदल जैन चौधरी और सपा में कॉम्बिनेशन बन गया, तो वहां नजारा कुछ और हो सकती है। इसलिए अकारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैराना में फिर से एक डर उभारने की कोशिश की है। एक डर, कैसा डर, हिंदुओं के डराने की कोशिश की है, अभी सब हिंदू एक हो जाओ, चुनाव है, हमें वोट दो। लेकिन जैसे ही खेल खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म, सरकार बन जाएगी, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, कोई दलित हो जाएगा, कोई बैकवर्ड हो जाएगा, कोई सवर्ण हो जाएगा। तो हिंदू होने का जो मतलब है उस चुनाव के समय है। संविधान क्या है, अभी एक जय भीम फिल्म आई है, संविधान कैसे काम करता है, अगर उसको लागू स्वतः खुद नहीं होगा संविधान, उसको लागू करवाना पड़ेगा। इसलिए कौन संविधान समर्थक है, कौन संविधान विरोधी है, इसको आप जहन में रखिए, इसको ध्यान रखिए और वोट देने वक्त संविधान, लोकशाही और वोट की ताकत को जरूर याद रखिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जय भीम।